उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की पुलिस प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जनपद से धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। जहां बीते दिनों रामनगरी अयोध्या में धर्मांतरण कराने वाली एक संस्था का भंडाफोड़ हुआ, तो वहीं जनपद बरेली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में एक पादरी लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था। दरअसल पूरा मामला जनपद बरेली के बहेड़ी कस्बे के मोहल्ला सिंह गोटिया का है, जहां एक प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई मिशनरी की ओर से लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसकी सूचना हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों को मिली, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ता पुलिस के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर के अंदर कई लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और सामने एक पादरी रामचरितमानस और बाइबल लेकर दोनों की तुलना कर लोगों को मानसिक तौर पर धर्मांतरण के लिए तैयार कर रहा है। वहीं प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहे इस खेल को देखने के बाद पुलिस ने मौके से पादरी ईश्वर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। ईश्वर प्रसाद गांव के भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। थाना बहेड़ी पर आज दिनांक 4 अगस्त को श्री नेत्रपाल सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई है कि थाना बहेड़ी के सिंहपुर गोडिया क्षेत्र में एक ईश्वरी प्रसाद नाम के व्यक्ति है, जो अपने घर पर उन्होंने कई व्यक्तियों को इकट्ठा कर रखा है और वो उनको एक धर्म की बुराई बता करके दूसरे धर्म को अपनाने हेतु दुष्प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और सिंहपुर गोडिया ग्राम में जाकर उस व्यक्ति को वहां से ला करके थाने पर लाया गया है और श्री नेत्रपाल सिंह जी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 जो समुचित धाराएं उनमें अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी पास्टर ने बताया कि वो 2004 में ही ईसाई धर्म ग्रहण कर चुका है और तब से वो सामाजिक संस्था ऑपरेशन अगाफे से जुड़ा है। वो गांव-गांव जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है, इसके बदले उसे प्रतिमाह 10,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे में जहां एक ओर पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश के कानून व्यवस्था इतनी मजबूत होने के बाद ये पादरी कैसे लोगों का धर्मांतरण करा रहा है, और दूसरा सवाल ये कि आखिर पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।